सर आपके व्हाट्सएप में भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है कि आपके व्हाट्सएप में जब भी किसी फोटो एंड वीडियोज़ को आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी गैलरी में नहीं शो होता है, यानी गैलरी में वह नहीं आता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी यह प्रॉब्लम आपके व्हाट्सएप पर आ रही है कि आपके व्हाट्सएप पर कोई फोटो वीडियोज़ होती है उसको आप डाउनलोड करते हैं तो केवल व्हाट्सएप पर ही पड़ी रहती है, वो आपके गैलरी में नहीं शो होती है, गैलरी में नहीं आती है या फिर फाइल मैनेजर में नहीं आती है। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन सॉल्व करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने गैलरी में चलता हूँ, यहाँ पर अगर मैं व्हाट्सएप वाले ऑप्शन में यहाँ पर चलूँगा तो यहाँ पर हमको व्हाट्सएप के यहाँ बहुत सारे पोस्ट दिखाई देंगे, लेकिन बहुत सारे पोस्ट हमको यहाँ पर यहाँ पर व्हाट्सएप में देखने को मिलेंगे जो कि गैलरी में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको यह प्रॉब्लम आ रही है तो बने रहें वीडियो में अंत तक। कराने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर टाइमर देखने को मिल रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चारों में जो टाइमर लगे हुए हैं। इन टाइमर का क्या मतलब है मैं आपको भी दिखाता हूँ पूरा लाइव प्रोसेस में। एक कॉन्टेक्ट पर चला गया, यहाँ पर अभी टाइमर लगा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो एक डिस्पेयरिंग मैसेज का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये वाला, अगर यह ऑन रहेगा यानी कि इसका मतलब यही होता है कि 90 दिनों में ऑटोमेटिकली आपके पोस्ट यहाँ पर जितने भी मैसेज चैट्स होंगे सभी यहाँ डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर यह ऑप्शन ऑफ ऑन है, 90 दिन में सेलेक्टेड है, तो फिर आपका जो मीडिया विजिबिलिटी वाला ऑप्शन है वह ऑफ रहेगा, यानी कि मीडिया आपकी विजिबल नहीं रहेगी। तो सबसे पहले इसको यहाँ से ऑफ कर देना है, जैसे ही ऑफ करेंगे तो मीडिया विजिबिलिटी वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर फिर भी ऑन नहीं होता है तो आपको यहाँ पर ऑन कर देना है, अगर नो सेलेक्ट रहेगा तो आपको यस कर देना है। इतना करने के बाद आपके जितने भी व्हाट्सएप के पोस्ट होंगे आपकी गैलरी में शो होना शुरू हो जाएंगे।